ध्यान में होने वाले अनुभव, यही क्या कम है। इस अंधेरे से भरी जिंदगी में अगर क्षण भर को भीतर रोशनी हो जाती है, कोई कम चमत्कार है। क्योंकि वहां न तो बिजली का कोई कनेक्शन है, न वहां कोई ईंधन है, न वहां कोई तेल है। बिन बाती बिन तेल, ये रोशनी चमत्कार है। जहां सदा से अंधकार पड़ा रहा है, वहां अचानक ज्योति उठाती है, ये चमत्कार है। प्रभु की अनुकंपा हो रही है। धन्यवाद करो, धन्यवाद से और अनुकंपा बढ़ेगी। इस बात का सदा ख्याल में रखो, जितना तुम्हारा धन्यवाद गहरा होगा, उतनी ही तुम्हारी उपलब्धि बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि जो छोटी भेंटें आती है, अगर उसको इनकार कर दिया तो बड़ी भेंटें फिर नहीं आएगी। क्योंकि तुम पात्र ही सिद्ध न हुए, तुम समझे ही नहीं, परमात्मा ने तुम्हारी तरफ दौरे फेंकने फेंकने शुरू किए हैं। आनंदित हो, नाच उठो, मगन हो जाओ कि मुझ अपात्र को इतना भी हुआ, यही क्या कम है। होना तो ये भी नहीं चाहिए था, मगर फिर भी हुआ, तो उसकी अनुकंपा से हुआ होगा, मेरी पात्रता से नहीं। झुको, उसके चरणों में सिर रख दो और तब तुम पाओगे कि कुछ और होने लगा। धीरे धीरे पहले सूक्ष्म इंद्रिक अनुभव होते हैं। अतीन्द्रिय अनुभव होने के पूर्व तीन तरह के अनुभव है जगत में। स्थूल इंद्रिक अनुभव, तुमने एक सुंदर फूल को खिला देखा, उसकी सुवास तुम्हारे नासापुटों में भर गई, क्षण भर को सुख मालूम हुआ। तुमने चांद को आकाश में देखा, शीतल चांदनी तुम्हें नहा गई, तुम चांदनी में नहाकर प्रफुल्लित हो उठे, ताजे हो उठे, ठगे रह गए। चांद का सौंदर्य तुम्हें घेर लिया, स्पर्श किया, एक तरह का सुख मिला, ये इंद्रिक सुख है। फिर दूसरे सुख होते हैं, सूक्ष्म इंद्रिक अनुभव आ गया, चक्र में रोशनी हो गई, इसका बाहर से कोई संबंध नहीं है, इसका भीतर से भी अभी कोई संबंध नहीं है। ये दोनों के मध्य के अनुभव है, लेकिन सूचक है कि भीतर चलने लगे। जैसे पांच इंद्रिया स्थूल अनुभव लाती है, वैसे ही पांच तरह के सूक्ष्म अनुभव होते हैं। कभी तुम अचानक पाओगे कि भीतर अकारण ही सुवास हो गई, जैसे हजारों फूल खिल गए हो। तुम भरोसा ही नहीं कर पाओगे, चौंक कर देखोगे, कहीं कोई बाहर गंध नहीं और भीतर गंध ही गंध है। ऐसी गंध जैसे तुमने कभी नहीं जानी। तुम्हारे भीतर का कस्तूरी का नाफा जैसे टूट गया। कभी भीतर संगीत उठेगा, नाद उठेगा, अपूर्ण संगीत तुम्हें भर लेगा, लयबद्ध हो जाओगे और बाहर कुछ भी नहीं है। बाहर का संगीत सब फीका हो जाएगा, जब भीतर का नाद उठेगा, बाहर की रोशनी अंधेरे जैसी मालूम पड़ेगी। जब भीतर की रोशनी का अनुभव होने लगेगा, मगर अभी यह मध्य की है, ये सूचक है, अब घर में जा सकते हो। जब पांचों इंद्रियों के अनुभव, सूक्ष्म अनुभव तुम्हारे जीवन में प्रकट हो जाएंगे, एक दिन अचानक पाओगे कि स्वाद आ रहा है, ऐसा स्वाद जैसा तुमने कभी नहीं जाना। उस दिन रसना का नया अर्थ प्रकट होगा। जब ये अनुभव गहन हो जाएंगे, तब एक दिन तुम अतीन्द्रिय अनुभव में उतरोगे। स्थूल इंद्रिय से सूक्ष्म इंद्रिय, सूक्ष्म इंद्रिय से अतीन्द्रिय। जब अतीन्द्रिय अनुभव होगा, तभी तुम्हारे हृदय में होगा, हाँ अब हुआ, परम तृप्ति हो जाती है।